टीम की बात करें तो उन्हें अपने अगले 14 में से 9 मैचेस जीतने हैं मिनिमम अपने ओडीआई स्टेटस को सेव करने के लिए। वहीं दूसरी टीम की बात करें तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ 3 जीत की जरूरत है अपने अगले 7 मैचेस में, क्योंकि वो ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलने के लिए खुद को पूरी तरह से ऑफिशियली रजिस्टर्ड करा ले। तो दो अलग अलग पर्सपेक्टिव है इस मैच में, ये तीनों दोनों टीम लेकर उतरेगी, एक अपने ओडीआई स्टेटस सेव करने के लिए और दूसरी क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खुद को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ 2.5 विंस दूर है आप कह सकते हैं, क्योंकि 40 पॉइंट होते ही नाइन या तीसरी टीम कहीं ना कहीं बन जाएगी जो ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर में अपना नाम दर्ज करा लेगी डायरेक्टली ओमान और स्कॉटलैंड के साथ साथ। अब इस मैच की यहां बात करते हैं, परफॉर्मेंस वाइज अगर हम बात करें अभी तक अगर बात करें इस राउंड में तो लो स्कोरिंग गेम जरूर हुए हैं, लेकिन वो टीम्स वहां पर दिलेरी से विंस की तरफ बढ़ पाई हैं जिन्होंने कम से कम पिच पे वर्क बिताने का और दमखम दिखाने की कोशिश की है उसी कंडीशंस में खुद को ढाल कर, चाहे वो स्कॉटलैंड हो या फिर नामीबिया हो। नेपाल के लिए बात करें तो हालात बहुत ही खराब है, खास करके बैटिंग डिपार्टमेंट में। यहाँ पर यार सबसे पहले मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा प्लेइंग 11 के बारे में, क्या कोई भी चेंज आपको नजर आ रहा है दोनों टीमों में? नहीं बिल्कुल, देखिए प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ पर नेपाल में तो ऑब्वियसली चेंजेस दिख सकते हैं, हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल स्ट्रगल कर रहा है, चाहे आप बॉलिंग में गए या बॉलिंग में तो इतना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से क्योंकि एक मैच में आपको मौका नहीं मिला, दूसरे मैच में मौका मिला तो आपने अच्छा डिलीवर किया वहाँ बॉलर्स ने, लो टारगेट को भी आपने कोशिश करी अपनी तरफ से पूरी 100% देने की, पर बैटिंग में चेंजेस होने तो चाहिए, कहीं ना कहीं डाउन ऑर्डर में होना चाहिए, लेकिन वो दूर की बात लगती है, बहुत ज़्यादा सपने जैसा लगता है, चेंजेस वगैरह तो ज़्यादा होने की उम्मीद नहीं है। डायरेक्ट अगर पॉइंट पे आए तो जो ऑर्डर चल रहा है वही हमें सेम एज देखने को मिलेगा। हाँ ये उल्टा हो सकता है कि जो सेटल डाउन ऑर्डर है वो और बिगड़ सकते हैं, ये हमें देखने को मिल सकता है कि हमने देखा आरिफ शेख को कैसे करके आपके डाउन ऑर्डर को चेंज किया गया, कभी कुशल गुर्जर, कभी दीपेंद्र सिंह एरी, अभी दो विकेट के बाद तो पता ही नहीं है कि कौन कहाँ आएगा जी, ये शॉर्ट आउट नहीं है नेपाल के बैटिंग ऑर्डर में, लेकिन देखना होगा किस तरीके से चेंजेस, जहां तक है उम्मीद तो नहीं है कि चेंज होने चाहिए, क्योंकि आप एक प्लेइंग 11 खिलाएं तो बेहतर होगा, अभी तक रिजल्ट ही नहीं निकला है इस प्लेइंग 11 से, तो चेंज कहां से आप उम्मीद करेंगे कि भाई अब, क्योंकि आप ऐसा कोई नहीं है कि 20-25 जने यहाँ पर आए हुए हैं आपके स्क्वाड में, आखिर ये खेलना ही नहीं है जब यही प्लेयर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो और जो बेटर प्लेयर्स थे उन्हें आपने खैर लिया ही नहीं यहाँ पर स्क्वाड में, तो वो थे नहीं, वो दूर की बात रह गई है। चेंजेस कहें तो नो चेंजेस नेपाल के लिए, नामीबिया फ्री है, करना चाहे तो जरूर करें, वो उनकी विश है, अगर किसी को बाहर करना है, किसी को रेस्ट देना है, फ्राइलिंग को बुलाना है, वो उनकी विश है, जैसे करना चाहे, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग पोजिशन पे ऑलरेडी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं और ऊपर से एक चीज और है कि वो विनिंग पोजीशन को शायद छेड़ करना भी ना चाहिए, ये भी आखिरी मैच होगा जी हाँ, आज राउंड का उनका आखिरी मैच होगा, वो इस मैच को अगर जीतते हैं तो दमदार तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर वो इस राउंड को फिनिश जरूर करेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में चेंजेस होंगे नहीं, क्योंकि नेपाल प्लेइंग 11 जैसे आपने बताया आपको कि आप ऑप्शन ही वो लेकर नहीं आए हैं जो स्क्वाड में डिजर्व करते थे, तो कोई फायदा है नहीं चेंज, जो आप चला रहे थे बस बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा ध्यान में रखिए, और अर्जुन के लिए डेफिनेटली अगर बैटिंग में आप यहाँ बात नेपाल की तो वही सब चीजें दोबारा से रिपीट करना चाहेंगे कि कुशल ओपनिंग एज ओपनिंग पर अगर पहले से चलते तो बहुत बेहतर होता, आपने कुशल को एक नया रोल दिया, ऊपर से अर्जुन को लेकर, अर्जुन के लिए जो डिफेंसिव अप्रोच है ओपनिंग में वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, उनको अपना रन रेट बढ़ाकर खेलना होगा, वरना ये जिस इंटेंट से वो खेल रहे हैं इस वक्त इस मैचेस में वो इंटेंट बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा है एज अ ओपनर, क्योंकि अगर आप पावर प्ले में एज अ ओपनर आकर रन बॉल भी स्कोर नहीं कर रहे हैं तो यकीनन प्रेशर जो है वो आपके मिडिल ऑर्डर पर बढ़ता चला जाएगा और आपकी टीम पर बढ़ता चला जाएगा। बैटिंग से जो जो बॉलर्स को हेल्प चाहिए कि हमें कुछ स्कोर बोर्ड पे लगा कर दीजिए वो उनसे मिलेगा नहीं, तो ये देखने वाली बात जरूर होगी यहाँ पर। बाकी कंट्रीब्यूशन सबकी तरफ से होगा, दीपेंद्र सिंह एरी खराब फॉर्म से लगातार जूझ रहे हैं, ये फॉर्म भी नहीं है क्योंकि उनकी फॉर्म कभी आई ही नहीं थी, तो जाएगी या फिर जूझ रहे हैं, उनकी क्रिकेट वर्ल्ड कप में कभी फॉर्म थी ही नहीं जो वो जूझ रहे हो इस चीज से। उसके बाद रोहित अचानक से जब से कप्तानी का उनका भार पड़ा है अचानक से देख रहे हैं कुछ रन आउट्स हुए हैं, लेकिन कुछ बार वो अपना विकेट थ्रो भी कर रहे हैं, वो एक अच्छी इनिंग बड़ी इनिंग रोहित के बल्ले से भी अभी तक आई नहीं है, क्योंकि जरूरत अभी है इसी वक्त। बिल्कुल देखिए यहाँ पर रोहित जो जिस तरीके से अपना विकेट थ्रो कर रहे हैं, अपने विकेट की जो अहमियत है वो समझ नहीं होगी उन्हें। आप अब अपने पार्टनर्स को समझिए, पार्टनर्स का ख्याल रखिए कि आपके सामने कौन है, कैसे प्लेयर है, आप तुरंत दौड़ पड़ते हैं, ये नहीं देखते कि सामने कौन है, क्या है, कितनी तेज दौड़ रहे हैं या नहीं दौड़ रहे, ये सब चीजें माइंड में होनी चाहिए। अब आप एक लीडर भी हैं, अब आप खाली प्लेयर नहीं है कि चलिए यार मैं हो गया रन आउट, अब गलती हो जाती है मुझसे, नहीं, अब लीडर भी हैं आप,
आप पे अब 10 गुना ज्यादा और प्रेशर बढ़ गया है, आपको चलना भी होगा, बिल्कुल चलना होगा, वो तो खैर कंपलसरी है कि भाई रोहित जैसे बैट्समैन चलेंगे नहीं तो टीम स्ट्रगल ही करेगी, तो आपको चलना भी होगा, लेकिन साथ साथ में ख्याल भी रखना होगा कि मैं किसके साथ खेल रहा हूँ, क्या खेल रहा हूँ, मेरे सामने वाले की क्या कमजोरी भी है, बैट्समैन की मेरे साथ जो खेल रहे हैं उनकी क्या पावर है, मुझे उनके साथ तालमेल ठीक बिठाना होगा, वरना तो हर मैच में हम देखेंगे या तो आप रन आउट हो रहे हैं या आप सॉफ्ट डिसमिसल हो रहे का शिकार हो रहे हैं। इसको ठीक करना होगा, बहुत जल्द करना होगा, बिल्कुल बहुत जल्द करना होगा। तो क्लियर कट है कि ओपनिंग में अर्जुन को अपनी मेंटालिटी को चेंज करना होगा, खेलने के इंडियन को चेंज करना होगा, कम से कम रन बॉल लेके आना होगा ये सोचकर कि मैं पावर प्ले में बैटिंग कर रहा हूँ, यानी कि मैं डेथ ओवर में कर रहा हूँ जहाँ प्लेयर्स चारों तरफ बाउंड्रीज में लगे हुए हैं। प्लस उसके साथ रोहित पुढ़ैल को अपनी विकेट की जिम्मेदारी यहाँ पर समझनी स्टार्ट करनी होगी और अभी इसी वक्त से वो इंपॉर्टेंट होगा, और कहीं ना कहीं नीचे आरिफ को भी कहीं ना कहीं अपने जो फाइनली आरिफ की तरफ से अब एक इनिंग की आने की जरूरत है इस राउंड में, ताकि एक अच्छा टोटल कम से कम टीम लगा पाए, साथ साथ में ग्यारह मिलने का जो परफॉर्मेंस है अब तक शायद 100 रन मार चुके हैं वो दो मैच में, उसको उन्हें कंटिन्यू करना होगा और इसको इजाफा करना होगा, कम से कम बड़ी इनिंग की तरफ लेकर जाना होगा। अब यहाँ अगर नाइमिया की आयर में बात करूं, टॉप ऑर्डर उनका भी बहुत बुरा हाल है, बहुत ही खस्ता हाल है, लगभग यहाँ सिर्फ मैं टॉप ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, तो शुरू के जो 3-4 प्लेयर्स हैं वो आते हैं और जाते हैं, कोई उनकी तरफ से परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आ रहा। डिवॉन लॉकॉक के बारे में हमने कहा, लिंगन के बारे में हमने कहा, ऊपर के जो प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से रन आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी समझने में लगातार नाकामी हो रहे हैं और मौके में मौके उन्हें मिल रहे हैं, बार बार आकर ग्रैंड और लोअर ऑर्डर नाइमिया के लिए पॉइंट्स भी कलेक्ट कर रहा है और इज्जत भी टीम की बचा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बिल्कुल अपने आप में एक सवाल है बहुत बड़ा, इसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी सर्च जरूर होनी चाहिए। आपने मौके दिए हैं, अच्छी बात है, इन मौकों का फायदा उठाएं, अब 30-40 भी करें तो बेहतर, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है यार। बिल्कुल, बिल्कुल। प्लेयर लोगों से ओपनिंग पार्टनरशिप भी नहीं मिल रही है कि चलिए आपने 10-12 ओवर निकाल दिए हो, 13 ओवर निकाल दिए हो, नहीं, 10 ओवर के अंदर 2-2 विकेट गिर जाते हैं, 3-4 ओवर गिर जाते हैं, बस यही है। तो ये चीजें कप्तान को, कोच को समझनी होंगी, जल्द से जल्द इसको तराशना होगा, कोई और अगर प्लेयर है डोमेस्टिकली उनको लाना होगा, या फिर अगर आपके माइंड में अगर कुछ है कि हाँ मैं इस साल इनको मौका दे रहा हूँ तो दूंगा, या इस वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में मौका दे रहा हूँ दूंगा, तो वो आप अच्छा कर रहे हैं, वो आपकी सोच है, बिल्कुल वो बहुत अच्छी बात है कि आप और जी हाँ, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत उन पे काम भी करना चाहिए। नहीं बिल्कुल काम भी, ये तो खैर ऑब्वियसली ये कोच का काम, तो ये तो सबसे बड़ा काम है कि उन पर काम भी हो, उन तीन प्लेयरों पर काम भी हो, लिंजन है, लोअन लॉरेंस, डी कॉक, डिवॉन लॉकॉक, ये तीन प्लेयर ऐसे हैं जो आते तो हैं विकेट गंवा देते हैं, तो यहाँ पर जरूर ये परेशानी है, लेकिन कोच और कप्तान को इनके साथ बैठना होगा, बात करनी होगी, भैया थोड़ा दिखना भी चाहिए कि आप सुधरने की कोशिश भी कर रहे हैं, या फिर आप इस मैच को बस लाइटली ले रहे हैं कि चलो हमें तो मौके मिल रहे हैं, बस हम खेलेंगे, या चलो हम तो नीचे रहकर जिताई दे रहे, बस जिताई दे रहे, हम जीत जा रहे हैं, हाँ, ये मेंटेलिटी सही नहीं है। बिल्कुल, अगर ये इसको ठीक करने की जरूरत है, नहीं हुआ तो ये आप ही को दिक्कत करेगा, आप ही को डेंट करेगा, क्योंकि अगर जब तक टीम में सारे चीजें ठीक ना हो तब तक वो टीम जरूर स्ट्रगल जरूर करेगी, चाहे कहीं भी खेले, किसी के सामने भी खेले। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास एक ऑप्शन है, बहुत बड़े ऑप्शंस आपके पास तीन है, देखिए अगर आप 5 पॉइंट और कलेक्ट कर लेते हैं तो आप ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर में सबसे पहले तो यही होगा कि आप डायरेक्ट एंट्री वहां पर आपको मिल जाएगी ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए। उसके बाद जो दूसरा बोनस है वो ये है कि आपको फुल मेंबर्स के खिलाफ ओडीआई मैचेस मिलेंगे गारंटी, क्योंकि वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जाएंगे तो वहां पर 4 फुल मेंबर्स भी होने वाले, उनके खिलाफ आपको मैचेस मिलेंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली शायद राउंड रॉबिन देखने को मिले, जो भी फॉर्मेट होगा आपको फुल मेंबर के खिलाफ मैचेस मिलेंगे, ये एक बोनस हो गया, बोनस नंबर 2। और बोनस नंबर 3 कि आपको ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने का एक अपने आप को मौका आजमाने का एक कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा कि क्या हम ओडीआई वर्ल्ड कप में जा सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं, पहुंचे ना पहुंचे बात की बात है, नहीं पहुंचे वो बात की बात है, लेकिन आपके पास एक मौका तो है, आप 1-3 से 3 शिकार कर सकते हैं अगर आपने अगले 5 पॉइंट कलेक्ट कर लिए, अगले आने वाले 7 मैच जिसकी चांसेस बहुत हाई है। तो मान लीजिए आप वहां चले गए, लेकिन वहां पर जाने के बाद लोअर ऑर्डर पर सिर्फ डिपेंड रहना और टॉप ऑर्डर लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप होना, तो ये वहां पर जाकर कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत हो जाएगी और तब लोअर ऑर्डर भी उन टीमों के सामने खड़ा हो पाएगा या फिर नहीं, ये देखने वाली बात जरूर होगी। इसीलिए इस पर अभी काम कर लिया जाए वर्ल्ड कप क्वालिफायर जैसा इंपॉर्टेंट ईवर आने से पहले तो बहुत बुरा नहीं है, बहुत बेहतर होगा। टॉप ऑर्डर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एंड लोअर ऑर्डर कंपैरिजन की यहाँ मैं बात करूँ अगर नेपाल वर्सेस नाइजीरिया के इस मैच में, क्योंकि दोनों को खेलना है, आकाश जमीन का फर्क नजर आता है, क्लियर कट है, आकाश जमीन का फर्क नजर आता है नेपाल नाइजीरिया की बैटिंग में। नेपाल के जब भी 2-3 विकेट गिरते हैं तो ऐसा लगता है अरे मैच खत्म हो गया, पैकअप हो गया, बस हो गया, ऐसा लगता है कि बस टाइम है, टाइम की बात है, अगला आधा घंटा
खत्म, अगला एक घंटा मैक्स खत्म, टीम डह जाएगी। लेकिन नामीबिया के जब बैटिंग करने के लिए आते हैं, 5 विकेट गिरने के बाद उनकी बैटिंग आती है, तो लगता है कि नहीं, यहाँ पर स्टेबिलिटी है। इन लड़कों को पता है कि हमें रिक्वायर्ड रेट के हिसाब से कैसे खेलना है, इनको पता है कि हमें कौन सी बॉल पे शॉट्स लेने हैं, और उनको पता है कि अगर कोई बड़ा प्लेयर हमारे साथ खेल रहा है तो उनके साथ खेलने का तरीका क्या होता है, ये उनको ज्यादा बेहतर मालूम है, बजाय नेपाल के लोअर ऑर्डर के जो हमेशा आते हैं क्रिटिकल सिचुएशन में। टीम 90 पे या 100 पे 5 होती है, लेकिन वो ऐसे बैटिंग करते हैं जैसे 250 पे 3 टीम का स्कोर हो और उन्हें खाली छक्का मारकर उसको 300 पहुंचाना है। बिल्कुल, और ये एक्चुअली में थोड़ी आपको क्या है कि ये जो सुन रहे हैं उन्हें भी सोचने की जरूरत है, ये एक्चुअली में कोच और कप्तान की तरफ से भी बहुत अच्छी मेंटेलिटी है, स्ट्रिक्टनेस है ये टीम कि लोअर ऑर्डर हमारा परफॉर्म करना चाहिए, हमारा लोअर ऑर्डर काम करना चाहिए, हमें 10 विकेट तक बल्लेबाजों से रन चाहिए। वो ऐसा सोचते हैं कि हमें हमारे 10 विकेट बल्लेबाज खेल रहे हैं। बिल्कुल, ये एग्जैक्टली यही सोच रही होगी रूल सर की और यहाँ पर ग्रांट इरास्मस की कि हमें 10 के 10 ऐसे विकेट चाहिए जो बल्लेबाजी जानते हो, बॉलिंग बाद में कर ले ठीक है, बल्लेबाजी पहले आनी चाहिए बल्लेबाजों को। और जिस तरीके से बैटिंग करते हैं उनके बैट्समैन, लगता है जिम्मेदारी लेके खेलते हैं लोअर ऑर्डर, जिम्मेदारी लेके खेलना चाहते हैं, वो सीख रहे हैं जो उनके कोच और कप्तान कह रहे हैं, भौंक रहे हैं हिंदी भाषा में कहे तो, वो समझ रहे हैं कि अच्छा 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 कोच और कप्तान मुझसे कह रहे हैं टिको, पिच पर साथ दो, बल्लेबाजों का साथ दो, थोड़े रन्स बनाओ, जरूरत है, विकेट देखो, ओवर्स देखो, किसके लिए ओवर छोड़ के जाओगे, या ओवर अगले मैच में बचेंगे क्या, अगले मैच में हमें ओवर्स मिलेंगे जो हम ये छोड़ के जाएंगे यहाँ। ये सब चीजें नामीबिया के लोअर ऑर्डर्स के बल्लेबाज बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो इनके लिए बहुत बहुत तारीफ करनी होगी जिस तरीके से वो लोग खेलते हैं। वे अपार्ट है नेपाल का लोअर ऑर्डर और नामीबिया का लोअर ऑर्डर। बिल्कुल, तभी मैंने कहा कि आकाश उनके लिए फर्क था, यही चीजें पूरी तरह से नासमझी कर देते हैं नेपाल के लोअर ऑर्डर से। ऐसा नहीं है कि कोई भी लोअर ऑर्डर में आए उनकी मेंटेलिटी वही हो जाती है घूम फिर के कि मुझे कैसे भी करके मैं आया हूँ, 2-3 शॉट्स दिखाता हूँ और थोड़ी सी तालियां वाव और बटोरता हूँ, अपना एक्शन दिखाता हूँ और वापस पवेलियन लौट जाता हूँ। देखिए वो नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आप देखिए 94 के स्ट्राइक रेट से पिकिया फ्रांस से बैटिंग की, बिल्कुल, और उसके बाद उन्होंने 50 कर दी और 7 चौके 1 छक्का मार दिया, ग्राउंडेड खेला और लेकिन 94 का स्ट्राइक रेट भी मेंटेन रहा। वहीं पर हम देखते हैं दूसरी तरफ नेपाल की जिस तरीके से शॉट खेलते हैं, चाहे सोमपाल गामी हो, करण केसी हो, ललित राजवंशी हो, कुशल झा हो, कुशल गुरु जी हाँ वो भी आ जाते हैं, तो वहां पर देखिए किस तरीके से वो बैटिंग होती है, हवाई फायर चालू रहता है। आदिल आदम थे वो भी हवाई फायर करते हैं, तो हवाई फायर भाई वो T20 गेम T10 जाके खेलिए ना, अगर आपको हवाई फायर करना है। ये वनडे मैचेस हैं तो कम से कम आप कुछ सीखिए अपने ओपोनेंट से जैसे वो लोग बैटिंग करते हैं। बिल्कुल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि ये इंटेंट एक बार पिछले लास्ट टाइम कहां पर दिखा था, वो तब दिखा था जब सोमपाल और आरिफ शेख ओमान के खिलाफ मैच में खेल रहे थे, जहां पर आयन जिसान मकसूद के साथ सेंचुरी मारी थी USA में, अभी वहां पर आरिफ और सोमपाल के बीच में शतकीय साझेदारी हुई थी। उस तरह का इंटेंट नामीबिया के लोअर ऑर्डर रेगुलर बेसिस पे दिखाता है, जो कि नेपाल ओकेशनली दिखा पाता है, वो हुआ था उसके बाद फिर बताइए। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोअर ऑर्डर है जो नीचे के बैट्समैन हैं वो सीखना ही नहीं चाहते, वो आते हैं सिर्फ लंबा स्ट्रोक खेलकर अपना विकेट गवा देते हैं कि और पूरी तरह से टीम जो है वो अंडर 200 बार बार ऑल आउट हो जाती है, जिसकी वजह से बॉलर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं, बॉलर्स को 10 out of 10 मार्क्स जाएंगे कि वो हर बार कोशिश करते हैं कि इस टीम के को हम स्ट्रोक को डिफेंड कर रहे हैं, कि हर बार कहीं ना कहीं कम पड़ सकते हैं। आप 137 रन सामने रखकर स्कॉटलैंड की बैटिंग यूनिट के सामने कहेंगे भाई डिफेंड करो, तो बॉलर्स इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको खुद पे ही कहीं ना कहीं शर्म यहाँ पर एज अ बैटिंग यूनिट होना जरूर चाहिए। तो ये कंपैरिजन था दोनों टीमों के बीच में। और अगर मैं यहाँ पर पिच की बात करूं थोड़ी स्लो शायद में जरूर है, लेकिन आपके पास अगर इंटेंट है तो डेफिनेटली पिच में भी रन है, पिकिया फ्रांस और लॉफ्टी टॉन मनसे सब इस पे, ब्रेंडन मैकमुलन लगातार इस पिच में रन निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि इस पिच में रन नहीं है, आप रन करके दिखा रहे हैं, टैलेंट है तो आप यहाँ पर भी रन 100% कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर भी आउट हो जा रहे हैं तो फिर पिच को दोष देने से बेहतर है आप खुद को अपने दोष जरूर दीजिए। तो डेफिनेटली लो स्कोरिंग में बात करूं, पहले अगर नेपाल बैटिंग करे टॉस जीतकर तो बेहतर रहेगा, आप प्रेशर ज्यादा ले लेते हैं चेस करते हुए, तो अगर आप बैटिंग के साथ खेले जाएं तो बहुत ज्यादा टॉस जीते पहले बैटिंग करें, और कम से कम तो कोशिश करें कि 215 तक अगर आप लगाने की कोशिश करें तो एक बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बॉलर्स को आपके कम से कम बहुत अच्छा टोटल मिलेगा या कि डिफेंड करने के लिए, फिर अलग चीजें यहां पर हो सकती है। नामीबिया के लिए भी सेम, अगर वो पहले बैटिंग करते हैं इसका मुझे लगता है क्योंकि वो दोनों मैचेस चेस करते हुए जीते हैं, तो अगर वो बैटिंग करते हैं पहले
अगर वो बाद में अगर पहले बैटिंग भी उनकी आ जाती है तो फिर उन्हें कम से कम 215-220 उन्हें भी लगाने चाहिए, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं बहुत बेहतर होगा नेपाल की जो बैटिंग की हालत है उसको देखते हुए। तो ओवरऑल फिलहाल इस मैच में इतना ही, इंटरेस्टिंग मैच देखने को उम्मीद तो करेंगे मिले, क्योंकि बॉलिंग दोनों टीमों की आउटस्टैंडिंग है, लेकिन बैटिंग में लोअर ऑर्डर वर्सेज लोअर ऑर्डर में बहुत ही आगे है नामीबिया इस सेक्शन में। एक चीज भी कहना होगा कि एक सिंगल अप्रोच भी नहीं दिखता है कि यहाँ पर नेपाल के बैट्समैन, खेलिए ताकि स्कोर बने, कम एक प्लेयर नहीं खेल सकते क्या, एक से पांच नंबर तक, ओपनिंग से पांच नंबर तक का कोई एक बैट्समैन जो 70-80 बस 85 रन मारे तो 215-220 तो आराम से बनेंगे, उसके इर्द गिर्द बल्लेबाज आएंगे तो 15 रन 20 रन 25 रन ऐसे करते करते चलते हुए वो चले जाएंगे। और इसका एग्जांपल भी है, पहले मैच में 11 रन 75 मारे, टीम 197 पहुंच, खुद देख लीजिए। और कितने हैं, जिसान मकसूर ऐसे एग्जांपल है, 211 टीम को पहुंचा दिया, बहुत एग्जांपल है, कितने एग्जांपल लेंगे आप कि एक बंदा अच्छे स्कोर तक पहुंचा सकता है, एक प्लेयर अच्छे टारगेट तक पहुंचा सकता है, पर कम से कम एक प्लेयर तो चले, कम से कम 60-70-80 रन की इनिंग खेले, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि कोई रन्स नहीं करता। बिल्कुल, टॉप पांच में से किसी ना किसी को नीचे तक आना पड़ेगा, कम से कम 35-40 ओवर तक 80-85-90 की इनिंग खेलनी होगी, वरना फिर स्कोर वो कम रह जाएगा, फिर आप बॉलर्स उस पर कोशिश करेंगे, फिर आप एट दैट वही कहेंगे कि 10-15 रन और होते तो मैच जीत जाते, ये कब तक चलेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस मैच में इतना ही, देखना होगा इस मैच में किस तरह से चीजें बदलती हैं, किस तरह चेंज होता है, क्योंकि नेपाल के लिए तो बहुत ही बड़े रेडियो चैनल के साथ अपने कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर रखिएगा।